फेस टाइम में भी करते हैं, तो वीडियो में भी करते हैं, तो मैं कैमरा का ही पूरा प्लास्टिक प्लास्टर लगा दिया। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्लास्टर लगाना चाहिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहली बार जनता को शहीदी दिवस के मौके पर संबोधित किया। इस दौरान भी उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसी दौरान पेगासस जासूसी कांड को लेकर केंद्र सरकार पर ममता बनर्जी ने केंद्र पर निशाना ही नहीं साधा, बल्कि अपना फोन निकालकर जनता को दिखाया भी और ये भी बताया कि किस तरीके से वो अपने फोन के कैमरा और माइक्रोफोन को हमेशा प्लास्टिक के डक्ट टेप से ढक कर रखती हैं। लेकिन आपको ये बताते चलें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग भी हमेशा से ही अपने कैमरे को ढककर रखते हैं, चाहे वो फोन का कैमरा हो या फिर लैपटॉप का, चाहे फोन का माइक्रोफोन हो या फिर लैपटॉप का माइक्रोफोन। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपको ये सुन लेना चाहिए कि जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोगों को संबोधित कर रही थी तो उन्होंने केंद्र सरकार और पेगासस जासूसी कांड को लेकर क्या कुछ कहा। Can you imagine? I have done one thing, I am showing you. देखो हम पूरा इसको प्लास्टर कर दिया, क्या करेगा? फोन लगा के क्या करेगा? कैमरा में पूरा तुल लेता है, हम ऑडियो में भी बात करते हैं, तो फेस टाइम में भी करते हैं, तो वीडियो में भी करते हैं, तो मैं कैमरा का ही पूरा प्लास्टिक प्लास्टर लगा दिया। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्लास्टर लगाना चाहिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। इसराइल के पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए अलग अलग क्षेत्रों के लोगों की जासूसी कराने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। लेकिन इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि मार्क जकरबर्ग से लेकर ममता बनर्जी अपना फोन दिखाकर क्यों लोगों को बता रहे हैं कि वो अपने फोन के माइक्रोफोन और कैमरा को ढककर रखते हैं, आपको ये जान लेना चाहिए कि ये आखिर पेगासस जासूसी कांड है क्या। दरअसल पेगासस एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है, स्पाईवेयर यानी जासूसी या निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सॉफ्टवेयर। इसके जरिए आपके किसी भी फोन को हैक किया जा सकता है, हैक करने के बाद उस फोन का कैमरा, माइक, मैसेजेस, कॉल्स समेत तमाम जानकारी हैकर के पास पहुंच जाती है। इस सॉफ्टवेयर को इजरायली कंपनी NSO ने बनाया है। पेगासस को किसी भी फोन या किसी अन्य डिवाइस में रिमोटली इंस्टॉल किया जा सकता है, सिर्फ एक मिस्ड कॉल करके भी आपके फोन में पेगासस को इंस्टॉल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस, SMS और सोशल मीडिया के जरिए भी ये आपके फोन में इंस्टॉल किया जा सकता है। पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में सबसे ज्यादा बात इसलिए की जा रही है क्योंकि इसको बनाने वाले NSO ग्रुप का कहना है कि वो ज्यादातर दुनिया के अलग अलग देश की सरकारों के साथ काम करती है। पेगासस को सार्वजनिक रूप से मेक्सिको और पनामा की सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है। 40 देशों में इसके 60 ग्राहक हैं। कंपनी का कहना है कि उसके दुनिया भर के 51% उपयोगकर्ता, इंटेलिजेंस एजेंसियां, 38% कानून प्रवर्तन एजेंसियां और 11% सेना से संबंधित होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पेगासस सॉफ्टवेयर आप खरीद सकते हैं, दरअसल इसे सिर्फ सरकारें खरीद सकती हैं, ऐसा NSO ग्रुप का दावा है। साथ ही ये सॉफ्टवेयर बहुत महंगा आता है। पेगासस सॉफ्टवेयर का एक लाइसेंस तकरीबन 70 लाख रुपए का आता है और खास बात यह है कि इसके एक लाइसेंस के जरिए कई स्मार्टफोन को हैक किया जा सकता है। NSO ग्रुप के मुताबिक 2016 में तकरीबन 10 लोगों के फोन को हैक करने के लिए कंपनी को 9 करोड़ रुपए के आसपास में मिले थे और दावा यह किया जा रहा है कि पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए ही भारत में 300 अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के फोन को हैक करके उनकी जासूसी की गई। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जितना इंटरनेट पुराना है उतना ही इंटरनेट के जरिए हैकिंग और जासूसी भी पुरानी है, और इसी के बारे में बात की थी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। साथ ही आपको ये बताते चलें कि 2016 में मार्क जकरबर्ग का एक फोटो वायरल हुआ था जिसमें उनके लैपटॉप के माइक्रोफोन और कैमरा को डक टेप से ढका हुआ देखा गया था। लेकिन मार्क जकरबर्ग जो कि फेसबुक को बनाने वाले दुनिया के सबसे अमीर शख्सियतों में से एक है, उन्हें भी अपने कैमरे और अपने माइक्रोफोन को ढकने की जरूरत क्यों पड़ी वो भी आपको जान लेना चाहिए। दरअसल 2016 में मार्क जकरबर्ग की फोटो वायरल हुई जिसमें वो फेसबुक के पिक्चर शेयरिंग नेटवर्क इंस्टाग्राम के मंथली एक्टिव यूजर्स का आंकड़ा 50 करोड़ पार करने को सेलिब्रेट कर रहे थे। इसे सेलिब्रेट करने के लिए फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग ने एक फन पिक्चर शेयर की। इसमें जकरबर्ग ने लकड़ी का एक फ्रेम पकड़ा हुआ है और बैकग्राउंड में उनका लैपटॉप दिखाई दे रहा है। जकरबर्ग को अंदाजा भी नहीं था कि इस तस्वीर में इतना कुछ दिख रहा है जितना शायद वो दिखाना नहीं चाहते थे। 2016 में ही क्रिस ऑल्सन नाम के यूजर ने सबसे पहले मार्क जकरबर्ग के लैपटॉप में डक टेप को देखा और उन्होंने एक फोटो भी शेयर की जिसमें उन्होंने बताया कि मार्क जकरबर्ग के लैपटॉप के माइक्रोफोन और कैमरा को किस तरीके से डक टेप से ढका गया है।
दरअसल कई हैकर्स लैपटॉप के कैमरे को हैक करके उसका कंट्रोल अपने पास ले सकते हैं। ज़करबर्ग जो इतनी बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट बनाने वाले रहे हैं, उनसे बेहतर हैकर्स के इरादे कौन जानेगा। शायद यही वजह है कि उन्होंने मैकबुक प्रो के कैमरे और ऑडियो जैक पर टेप लगा दिया है। हालांकि जिस कंपनी पर लोगों की निजी बातचीत सुनने का आरोप लगता है, उसके सीईओ खुद अपनी प्राइवेसी को लेकर कितना चिंतित हैं, ये देखना वाकई में बाकी लोगों के लिए भी चिंता का विषय है। बहरहाल पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जिस तरीके से भारत में 300 लोगों के फोन को हैक करने का दावा बताया जा रहा है, उसको लेकर हंगामा मचना तो तय है। फिलहाल आप अपने फोन को हैकिंग से बचाने के लिए ममता बनर्जी या फिर मार्क ज़करबर्ग की टेक्निक को अपना सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे में इस तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।